कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस वीडियो, आपको मैंने बताया था कि डीपीडी होता है ओपी माइनस डीपी। अब जब सेल में पानी अंदर जाता जाएगा तो क्या होगा, सेल हमारी फूलने लग जाएगी, और जब हमारी सेल पूरा फूल जाएगी तो आपको पता है कि सेल फट नहीं सकती। क्यों नहीं फट सकती प्लांट में, क्योंकि सेल वॉल जो होती है उस पर इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर डालती है, इसलिए सेल जो है हमारी फट नहीं पाती है। और जब हमारी सेल फुली टर्जिड हो जाती है, फुली टर्जिड का मीन्स जितना पानी अंदर जा रहा है उतना का उतना बाहर निकल रहा है, तो उस समय हमारा जो डीपीडी हो जाएगा वो क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जब हमारा सेल फुली टर्जिड हो जाती है तो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमारे टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डीपी, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाए तो डीपीडी हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अब सेल जो है पानी लेना बंद कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी वो लेती नहीं है, जितना अंदर जाता है उतना का उतना बाहर आता है। जब हम किसी सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है या जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो पानी अंदर जाने की बजाय अब पानी क्या होगा बाहर निकलेगा, तो सेल हमारी धीरे धीरे श्रिंक होना चालू हो जाती है। और जब हमारी सेल पूर्ण रूप से श्रिंक हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारी सेल फ्लेसिड हो गई है। उस समय हमारा जो डीपीडी होता है सेल का वो क्या होता है कि डीपीडी जो होता है जब सेल हमारी फ्लेसिड होती है, तो डीपीडी जो होता है, क्योंकि सेल जब फ्लेसिड हो जाती है तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर डालना बंद कर देती है, इसका मतलब टर्गर प्रेशर जीरो हो गया है, तो हमारा जो डीपीडी है वो मैक्सिमम होता है, और वो किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। आगे आपको समझ में कि जब सेल फ्लेसिड होती है मतलब वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है बाहर की तरह, तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर डालना कम कर देती है, और सेल मेम्ब्रेन जब सेल वॉल पे प्रेशर डालना कम कर देती है तो क्या होता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो हो जाता है। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होता है तो डीपीडी मैक्सिमम होता है, और वो क्या किसके बराबर हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अब एक टर्म और आती है, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बताती हूँ आपको, उसके बाद बता दूंगी कि सेल जो जब प्लाज्मोलाइज होती है उस समय हमारी डीपीडी की क्या स्थिति होती है। अब देखिए प्लाज्मोलिसिस का मतलब जब हम किसी सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी निकलना चालू होता है। धीरे धीरे पानी निकलता क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे पूर्ण रूप से प्रेशर डालना बंद कर देती है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस, दैट इज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। अभी भी सेल हमारी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में है, पानी और निकले जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन कॉर्नर्स पे श्रिंक होना चालू हो जाती है। तो जब सेल कॉर्नर से हटना चालू हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, तो वो सेकेंड स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और अभी भी अगर सॉल्यूशन और ज्यादा हाइपरटॉनिक है तो पानी निकले जा रहा है, हमारा पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है और एक डेफिनेट शेप ले लेता है, विच मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो कि कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स। और अब हम इस सेल को माइक्रोस्कोप पे इजीली देख पाते हैं, प्लाज्मोलिसिस स्टेज को इजीली देख पाते हैं, और वो कहलाती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। सो एक बार मैं वापस समराइज कर रही हूँ, प्लाज्मोलिसिस मतलब व्हेन अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन देन इट्स वाटर ऑफ द सेल सैप कम्स आउट। The first stage of plasmolysis means when the cell membrane stops the pressure on cell wall, then it is known as limiting plasmolysis. Second stage is incipient plasmolysis, that means ki cell membrane jo hai corner se cell wall se alag hona chalu ho jati hai, and third is evident ki still the water is coming out from the cell, then the protoplasm of the cell take a definite shape, either it is concave or convex, and it is known as evident plasmolysis. अब आप देखिए कि जब सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब सेल हमारी प्लाज्मोलाइज्ड होती है
तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है खींचेगा, ये इस साइड इसको खींचा जा रहा है, ये प्रेशर भी डाल रही है बट इट इज अंडर टेंशन। जब हमारी सेल प्लाज्मोलाइज होती है तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर भी डालती है बट इट इज पुल अप बाय दिस सेल्स टोनोप्लास्ट एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन इज अंडर टेंशन। और जब सेल मेम्ब्रेन टेंशन में होता है तो हमारा जो टर्गर प्रेशर हो जाता है प्लाज्मोलाइज सेल में पॉजिटिव हो जाता है। तो उस समय डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी हो जाता है। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है हमेशा माइनस टीपी होता है। अब हमारा टर्गर प्रेशर जो है माइनस में आ गया तो माइनस माइनस तो ये आ जाएगा प्लस। गॉट इट। तो जब हमारी सेल प्लाज्मोलाइज होती है तो सेल मेम्ब्रेन इज अंडर टेंशन नॉट प्रेशर। और जब ये टेंशन में होती है तो टर्गर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। जब टर्गर प्रेशर हमारा नेगेटिव हो जाता है तो आपको पता है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो माइनस और इसको माइनस हमारा टर्गर प्रेशर करेंगे तो फॉर्मूला विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर। सो द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज that is what is the relationship between DPD osmotic pressure and turgor pressure। देखिए मैंने इसको एक ग्राफ से आपको समझाया है जिसमें x एक्सिस में मैंने वॉल्यूम ऑफ द सेल लिया और y एक्सिस में मैंने प्रेशर लिया है, प्रेशर लिया है। अब क्या होता है कि when our cell is flaccid, इधर देखिए आप लोग, जब सेल हमारी फ्लैसिड होती है तो क्या होता है कि जो टर्गर प्रेशर होता है वो जीरो होता है। देखिए मैंने टर्गर प्रेशर शो किया है और जैसे जैसे उसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है। वो तब तक बढ़ता है जब तक कि हमारा इट विल बिकम इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जब सेल में पानी एंटर करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे कम होना चालू होता है। क्यों, कैसे कम होता है, क्योंकि हमारे सेल सैप में वाटर आ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है। व्हेन बोथ बिकम इक्वल, देखिए इस पॉइंट पे हमारे दोनों इक्वल हो गए हैं, उस समय क्या होगा आपको पता है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी हो जाता है हमारा जीरो। ये जो एरिया है इस ग्राफ का ये पूरा डीपीडी है। जब सेल फ्लैसिड होती है तो उसका डीपीडी मैक्सिमम होता है, जैसे ही उसमें वाटर एंटर करता है तो डीपीडी धीरे धीरे कम होता है। क्या होता है कम, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होता है। और जब दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो डीपीडी हो जाता है वो जीरो हो जाता है। और जब डीपीडी जीरो होता है तो हम कहते हैं हमारी सेल जो है पूर्ण रूप से फ्लैसिड, सेल इज फुली फ्लैसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वी डू नॉट यूज द टर्म डीपीडी टूडे बिकॉज वी यूज द टर्म वाटर पोटेंशियल। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वाटर पोटेंशियल पे होगा। डीपीडी और वाटर पोटेंशियल में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोटेंशियल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। थैंक यू।